तो गाइस आप भी अपने फेस से परेशान हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग का भी फेस शो हो रहा होगा। तो गाइस आप लोग भी फेस को अपने स्मूथ करना चाहते होगे बट नहीं कर पाते होगे, करने जाते होगे तो साइड साइड ब्लैक का ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा ऑटोडिक स्केचबुक में। एंड गाइस आज की वीडियो में आप लोग को मैं कुछ इस टाइप से स्मूथिंग सिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से रियल तरीके से स्मूथिंग आप लोग भी सीखने वाले हो जैसे मैंने यहाँ पे करी है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एडिटिंग भी करी है। एडिटिंग के बाद जो मैंने स्मूथिंग करी है वो आप लोग भी सीखना चाहते हो, एच डी फेस स्मूथिंग की ट्रिक है आप लोग भी जानना चाहते हो। एंड गाइस आप लोग परेशान हो गए दूसरे को फोटो देख एंड यहाँ पे वो एडिटिंग नहीं करता और पर्सनली आप लोग अपने से करना चाहते हो, तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच करो। आज की वीडियो में आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जो यहाँ पे कोई भी यूट्यूब वाला नहीं बताया होगा एंड गाइस अभी कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा। एंड आज की वीडियो पूरी वॉच कर लेते हो तो गाइस आप लोग सीख जाओगे कुछ इस टाइप से रियल तरीके से स्मूथिंग। एंड गाइस ओरिजिनल तरीके से जो स्मूथिंग होती है वो मैं बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने बैकग्राउंड में एडिटिंग करी है, आप लोग भी अप्लाई करना अपने बैकग्राउंड में तो गाइस कुछ इस टाइप से एडिटिंग हो जाएगी। एंड बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगा जिससे आप अपने फॉलो करके कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर सकते हो, फेस पे ग्लोइंग इफेक्ट ला सकते हो। तो गाइस ये इफेक्ट देना है तो गाइस पूरा वीडियो वॉच करना होगा तभी आप लोग सीख पाओगे एंड यहाँ पे अदरवाइज आप लोग वीडियो छोड़ते हो तो गाइस आप लोग को थोड़ा बहुत मिस्टेकिंग मिल सकती है एंड वीडियो स्किप करते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा एंड यहाँ पे वीडियो को छोड़ के जाते हो बीच बीच से देख के, तो कोई कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं मेन ट्रिक बताऊंगा। तो गाइस उसको ध्यान से देखना है एंड यहाँ पे फॉलो करना है स्टेप को। एंड देख सकते हो ये अभी आप लोग का कुछ इस टाइप से फेस शो हो रहा होगा पिंपल वाला, इसको आप लोग गैप करना चाहते हो एंड यहाँ पे हाइड करना चाहते हो। कैसे हाइड किया जाता है एंड फेस को गोरा भी कैसे करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस आप लोग को दो तीन ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा अपने फ़ोन में एंड स्नैपशीट में आ जाना होगा। पहला ऐप तो स्नैपशीट ऐप है, उसको ओपन करके कुछ इस टाइप से शेयर कर लेना होगा। एंड गाइस इसके बाद सेलेक्टिव वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना होगा इसका। यूज़ करने के बाद जहाँ आप लोग का ब्लैक लग रहा है पार्ट वो वाइट कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। ब्राइटनेस आप लोग को प्लस कर लेना होगा, इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे कम रहती है। एंड कॉन्ट्रास्ट तो जस्ट हल्का करना होगा, 1% कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इसके बाद गाइस अभी आप लोग को क्या करना होगा, इसको नीचे कर लेना होगा एंड इसको कर लेना होगा राइट टिक। बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो कितना यहाँ पे इंटरफेस हो चुका है, इसको आप लोग को दिखा दो बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग के फेस पे कुछ इस टाइप से एडिटिंग हो जाएगी। इसके बाद एमिनेशन पे आप टू इमेज पे आके एमिनेशन पे आ जाना, 19 कर लेना होगा एमिनेशन को। एमिनेशन को 19 करने के बाद इसको कर लेते हैं राइट टिक। राइट टिक करने के बाद फिर से देख सकते हो कुछ इस टाइप से टूल वाले आइकन पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप लोग को डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। इसको 10% कर लेने 10% कर लेंगे एंड इसके बाद राइट टिक, इसके बाद बिफोर आफ्टर आपको शो करके दिखा दूँ। ब्राइटनेस भी प्लस हो गया एंड यहाँ पे डिटेल भी आ गई मेरी फोटो में। तो गाइस आप लोग को कितना अप्लाई कर लेना होगा, उसके बाद शेयर वाले फोटो पे क्लिक कर लेना होगा एंड शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। सॉरी गाइस यहाँ पे इसके बाद गाइस अभी आप लोग को कहाँ फोटो शेयर कर लेना होगा, लाइटरूम ऐप में। तो गाइस आप लोग ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप, लाइटरूम ऐप में फोटो को शेयर कर लेना आप लोग भी। मैं यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुकी है। तो गाइस मैंने आप लोग को बहुत ही ईजी स्टेप बताया इसमें लाइटरूम ऐप में, जो मैं यहाँ पे ब्लैक टोन की एडिटिंग करने वाला हूँ। कलर वाले पे आके गाइस यहाँ पे आप लोग को वाइब्रेशन को प्लस कर लेना होगा एंड मिक्स वाले ऑप्शन पे आना होगा। ऑरेंज वाले का यहाँ पे ल्यूमिनस प्लस कर लेना होगा एंड यहाँ पे सैचुरेशन माइनस कर देना होगा। एंड गाइस अभी आप लोग को जो यहाँ पे ग्रीन येलो एंड यहाँ पे इसके बाद ऑरेंज मिलेगा, जो ऑरेंज वाला तो मैं कर ही रहा हूँ एंड ग्रीन और यहाँ पे येलो मिलेगा, तो इसका सैचुरेशन माइनस कर लेना होगा एंड यहाँ पे डार्क ब्लू वाले का भी माइनस कर लेना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को ये वाला ऑप्शन भी माइनस कर लेना होगा जो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आप लोग को करके दिखा देता हूँ, ये वाला भी माइनस रहेगा एंड इसके लास्ट वाले का भी माइनस ही रहेगा। तो गाइस आप लोग को दोनों आप लोग माइनस रखना होगा। माइनस करने के बाद इसको कर लेते हैं डन। डन करने के बाद देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना यहाँ पे इंटरफेस हो चुका है। तो गाइस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, इसका विंटेज माइनस कर देना कुछ इस टाइप से और डार्क हो जाएगी फोटो। एंड डिजिट को प्लस कर लेते हैं और फोटो डार्क हो जाएगी एंड यहाँ पे देख सकते हो क्लैरिटी को भी इंक्रीज कर लेंगे हल्का एंड फोटो कुछ इस टाइप से शो हो जाएगी। देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप लोग को बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर शो करके मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये अप्लाई करने के बाद फोटो को शेयर कर लेना होगा आप लोग को यहाँ पे जहाँ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो शेयर टू आप लोग को क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद फोटो को मैं मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग को मेन पॉइंट जानना है कैसे मैंने क्या किया, तो गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक में फोटो को शेयर कर लेना। यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखना होगा जो मैं करने वाला हूँ उसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना, क्योंकि आप लोग की एचडी फेस स्मूथिंग की ट्रिक होने वाली है एंड आप लोग भी सीखने वाले हो। जो मैं फ्रंट पे करके दिखाया था एडिटिंग वो आप लोग भी सीखने वाले हो। तो गाइस कैसे करना है, कौन से टूल से करना है, तो सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस ध्यान से देखना, आप वीडियो मत स्किप करना क्योंकि आप लोग को बाद में दिक्कत हो सकती है। तो गाइस अभी आप लोग टूल वाले आइकन पे क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे आना एंड आर्टिस्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस अभी आप लोग ने बहुत से टूल यूज़ करेंगे, वीएलए भी ये वाले भी, तो दोनों टूल यूज़ कर चुके होंगे। तो गाइस आप लोग को आज कौन सा टूल यूज़ करने वाले, ये वाला। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे ऊपरी से लास्ट वाली यहाँ पे टूल है, तो गाइस इसको आप लोग क्लिक कर लेना एंड यहाँ पे ये वाला टूल यूज़ करना है। एंड यहाँ पे ये सब टूल जो है
ये सही एडिटिंग नहीं करते, बट यहाँ पे ये टूल जो है बेस्ट एडिटिंग करता है। तो गाइस इसको आप लोग यहाँ पे आप लोग बेस्ट फेस स्मूदिंग की ट्रिक भी समझ सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट स्मूदिंग ट्रिक में यूज़ होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला टूल मैंने यूज़ किया, इसकी सेटिंग आप लोग को दिखा दूँ। तो गाइस सेटिंग क्या रखा है, तो गाइस सेटिंग अभी आप लोग की नॉर्मली होगी। इसके बाद ब्रश टाइप पर आप लोग को क्लिक कर लेना होगा एंड यहाँ पे इसको आप लोग स्मूदित कर लेना होगा। ध्यान से देखना गाइस, अभी आप लोग को मैं एक एक पार्ट बता रहा हूँ जो यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता होगा, एंड आप लोग को इसको फॉलो करके आप लोग को भी एडिटिंग कर लेना होगा अपनी फेस की। एंड बैक अपनी फ़ोटो पे आना होगा, बैक फोटो पे आने के बाद कुछ स्टेप से स्मूदिंग स्टार्ट कर देना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गाइज़ आप लोग को ये देख सकते हो रियल तरीके से स्मूदिंग मैं सिखा रहा हूँ, एंड आप लोग भी ये स्टेप फॉलो करके कुछ स्टेप से स्मूदिंग सीख सकते हो। आप लोग को मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया, तो आप लोग स्मूदिंग सीखो साथ ही साथ, एंड यहाँ पे आप लोग को ब्रश सही कैसे चलाना है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखना एंड फॉलो करो स्टेप को। अभी मैं आप लोग को आगे बताता हूँ क्या करना है, और HD में फोटो कैसे सेव किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। तो गाइस पूरा वीडियो वॉच करना एंड ध्यान से देखना है।